हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल दैट इज़ VYF मेथड या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल स्टडी कर लिया था। अब आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे या सेकेंड मेथड पे, दैट इज़ सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत आसान है। सिंपली हमने एक टॉर्क इक्वेशन लिखी है। टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू SE2² R2 / R2² + SX2 का होल स्क्वायर। और हमें पता है, वी नो दैट कि E2 जो है इंड्यूस EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। और अगर हम रिकॉल करें तो हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन स्टडी किया था, तभी हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी। तो वहाँ पर जो लो स्लिप रीजन था, वहाँ पर हमने SX2 का होल स्क्वायर को नेगलेक्ट किया था। तो अगर हम R2 से कंपेयर करें तो SX2 की का होल स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने अपनी अब टॉर्क इक्वेशन में पुट कर दिया और एज्यूम किया कि हमारा R2 जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, रेड कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स में इक्वेशन मिली, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू SV² नाउ इफ V इज रिड्यूस बिलो रेटेड वैल्यू, टॉर्क ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब कि अगर हम वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली टॉर्क भी रिड्यूस होगा। बट अगर हमको सप्लाई करनी है टू द सेम लोड, तो इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप सेम टॉर्क। हैंस वैल्यू ऑफ स्लिप इंक्रीजेस सो दैट टॉर्क रिमेन्स सेम। तो इस प्रोपोर्शनलिटी, मतलब टॉर्क को सेम रखने के लिए, अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं तो आपको स्लिप को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने ड्रॉ कर रखी है। अगर आप देखेंगे तो आपके सामने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है विथ नॉर्मल वोल्टेज और आपकी विथ रिड्यूस वोल्टेज। जब आपने वोल्टेज रिड्यूस की, ऑब्वियस ही बात है स्पीड भी रिड्यूस हुई होगी। अब मेथड तो ठीक है, लेकिन ये मेथड कुछ डिसएडवांटेज भी कैरी करता है। जैसे अगर आपने वोल्टेज रिड्यूस की है तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मोटर जो है सप्लाई से करंट की जो वैल्यू ड्रॉन कर रही है वो इंक्रीज कर लेगी। और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हमें पता है कि मोटर में हीटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मोटर की इफिशेंसी कम हो जाएगी। तो इन सब ड्रॉबैक्स या इन सब डिसएडवांटेजेस के कारण हम इस मेथड को रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत ही ना के बराबर। तो ये मेथड इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बट चूंकि सिलेबस में है इसलिए हमको पढ़ना है, तो हमने इसको स्टडी कर लिया, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। अब जो नेक्स्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल है, दैट इज़ थर्ड, जो कि है कंट्रोलिंग नंबर ऑफ पोल्स। अब ये इम्पोर्टेंट मेथड है, हम कैसे स्टेटर में नंबर ऑफ पोल्स को कंट्रोल करते हैं। अब ये कहना कि पोल्स को चेंज कर रहे हैं, जैसे हमें पता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने एक बार वाइंडिंग कर ली तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें चेंज कर सकते हैं विथ थ्री मेथड्स। पहला है आपका मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग, दूसरा है आपका मेथड ऑफ कंसिक्वेंट पोल्स, तीसरा है पोल एम्पलीट्यूड मेथड PAM मेथड। ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट करेगा। तो अब मोस्टली जो इसमें, इस तीसरे के जो तीन पार्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका एग्ज़ाम में आता है मेथड ऑफ कंसिक्वेंट पोल्स। ये इम्पोर्टेंट है और उसको समझना है। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड के ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग। इस वाले मेथड में क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ
इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ वन वाइंडिंग टू सेपरेट वाइंडिंग आर प्लेस्ड इन द स्टेटर कोर। मतलब हम अपनी दो वाइंडिंग यूज़ करते हैं या दो वाइंडिंग प्लेस करते हैं आपके हमारे स्टेटर कोर में, जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं आपस में, मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। फिर हम क्या करते हैं कि एट ए टाइम वन वाइंडिंग इज सप्लाइड फ्रॉम द सप्लाई। आपने दो वाइंडिंग ले ली, दोनों वाइंडिंग को प्लेस कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल्स जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं कि आप कोई भी एक पीस लेते हैं, उस पर आयरन, उस पर कॉपर की वायरिंग करते हैं, देन करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराते हैं इसका मतलब वो जो पोल है, वो जो आयरन पीस है, बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रो मैगनेट। तो आपने ऐसी टू वाइंडिंग ले ली, तो जस्ट सपोज आपने जब फर्स्ट वाइंडिंग ली और उसको जब वाइंडिंग स्टेटर में की, तो आपने सिक्स पोल्स बनाए। आपने सेकेंड वाइंडिंग ली, उसको जब स्टेटर में प्लेस किया, तो आपने फोर पोल्स बनाए। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो जब आपने सिक्स पोल्स बनाए, तो उस समय सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM। आपने फोर्थ पोल्स बनाए, तो उस समय जो सिंक्रोनस स्पीड थी वो आपकी 1500 RPM। और आपको एट अ टाइम एक ही वाइंडिंग में सप्लाई देनी है। फिर आप चूंकि मोटर स्टडी कर रहे हैं, वो भी इंडक्शन मोटर, तो जस्ट लेट से कि जो स्लिप है हमारी 5% है, तो 5% स्लिप के लिए सिंक्रोनस स्पीड पता है, तो हमारे नंबर ऑफ पोल सिक्स और फोर के लिए जो रेटेड NR निकल के आएगा वो होगा 950 RPM और 1425 RPM। हमने क्या देखा इसमें, इसमें ये देखा कि जब हमने दो वाइंडिंग प्लेस की हैं, दो स्टेटर वाइंडिंग, तो जब हमने स्टेटर वाइंडिंग फर्स्ट में सप्लाई दी, तो आपको स्पीड 950 मिली। जब आपने सेकेंड में सप्लाई दी, तो आपको 1425 RPM मिली। मतलब स्पीड तो आपने चेंज की, स्पीड को आपने कंट्रोल किया। बट इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक हैं। अब वो ड्रॉबैक क्या है, दिस मेथड इज़ लेस इफिशियंट एंड कॉस्टली बिकॉज ड्यू टू टू वाइंडिंग्स द कॉस्ट गोज़ अप एंड हेंस दिस मेथड इज़ यूज ओनली फॉर एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो दो वाइंडिंग यूज़ करोगे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत होती है तो ही हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। और ये मेथड सिर्फ और सिर्फ स्क्वायरल केज टाइप के रोटर्स वाली मोटर्स में यूज़ कर सकते हैं। हमको इसमें स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं हो पाता है। टू डिफरेंट स्टेटर वाइंडिंग रिक्वायर्ड होती हैं, इट इज़ कॉस्टलियर। अब चूंकि वाइंडिंग दो हो गई, लॉसेस बढ़ गए, मतलब इफ़िशेंसी भी इंक्रीज हो गई। तो इस मेथड के ये मेजर डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स हैं। जो थर्ड मेथड है, ये बहुत पूछा जाता है, मेथड्स ऑफ कंसिक्वेंट पोल्स। इसमें हम टू वाइंडिंग तो यूज़ नहीं करते, हमारी जो सिंगल स्टेटर वाइंडिंग है उसी का ही कनेक्शन हम इस तरीके से करते हैं कि जो नंबर ऑफ पोल्स हैं दैट शुड बी चेंज्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। जैसे 2 से 4 में बल चले गए, अगर 2 पोल हैं तो हमने कनेक्शन चेंज किया तो हम 4 पोल में चले जाएंगे। तो हम चेंज करेंगे तो 2 से 4 पोल में चले जाएंगे। अगर हमारे पास 4 पोल हैं तो 8 पोल में, अगर हमारे पास 6 पोल हैं तो 12 पोल में, मतलब जस्ट उसका डबल। तो इसको समझने के लिए हमने एक सिंगल फेज लिया है, जैसे 3 फेज मोटर है तो हमने 3 फेज कंसिडर ना करके अभी एक सिंगल फेज लिया है जिसमें 4 कॉइल हैं, कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3, कॉइल 4। इन 4 कॉइल को 2 ग्रुप्स में बांटा है, ग्रुप ए बी, ग्रुप सी डी। अब इन्हीं 2 ग्रुप्स को, कौन कौन से 2 ग्रुप, ए बी और सी डी को, हम या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, हम पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा है, जिसमें मैंने ए बी और सी डी को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल कनेक्ट किया है, तो ऐसा करने से कितने आपको पोल्स मिलेंगे, 4 पोल्स। और इनके लिए जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 1500 RPM, 1500। कैसे हम पोल्स कैसे बनाते हैं, जैसे
एक तरफ आपका हो गया करंट का डायरेक्शन राइट हैंड साइड, ठीक, एक तरफ आपका करंट का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों जो कैरी करेंगे अपोजिट पोल्स, एक साउथ और एक नॉर्थ। सिमिलरली जब आप पैरेलल कनेक्ट करोगे तो एक साउथ और एक नॉर्थ। क्यों? क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन चेंज है, एक बार राइट हैंड साइड फ्लो हो रहा है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी अपने जस्ट बगल वाले के नेबरिंग के अपोजिट पोल पर अपोजिट पोल प्रोड्यूस करेगी, जैसे साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 के लिए हमारी होगी 1500 RPM। अब हमने सेम वाइंडिंग को फिर से, सेम वाइंडिंग मतलब वही जिसमें हमारे पास दो ग्रुप थे ए बी और सी डी, कॉइल थी आपकी 1 2 3 4, इनका कनेक्शन इस तरीके से किया। आप जस्ट देखिए कनेक्शन का ही करने का तरीका है। अब इन वाइंडिंग को अभी भी मैंने एक बार सीरीज में रखा, एक बार पैरेलल रखा है, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया है। तो पहले वाले जब हमने सीरीज में कनेक्ट किए तो सारे के सारे करंट के डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड चले गए, पैरेलल कनेक्ट किया तो भी करंट का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड चला गया। तो करंट का डायरेक्शन सेम है तो एक सिंगल पोल ही जनरेट होगा, जब लेस से कि वो हमारा नॉर्थ है तो इसमें नॉर्थ, उसके नेबरिंग में नॉर्थ, जब पैरेलल कनेक्ट किया तो भी नॉर्थ, उसके नेबरिंग में नॉर्थ, या फिर आप साउथ 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 करेंगे तो भी सही है। अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ नॉर्थ एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करे ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, उसके अपोजिट पोल ओरिजिनेट या ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो ये सेम नेचर के चार पोल हो गए और इनके अपोजिट जो पोल होंगे वो साउथ होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। जैसे मैंने पैराग्राफ में भी लिखा है, ऑल द कॉइल विल प्रोड्यूस नॉर्थ पोल, द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द पोल ग्रुप्स हैज़ टू पास थ्रू द स्पेस बिटवीन द ग्रुप्स, सो द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी दैट इज साउथ इज प्रोड्यूस एंड दस द मैग्नेटिक पाथ इज कंप्लीट। बिना अपोजिट पोल के मैग्नेटिक पाथ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए? 8, और इस केस में स्पीड हो गई आपकी 750 RPM। ठीक, तो हमने क्या देखा कि पहले वाले केस में जब 4 पोल थे तब स्पीड थी आपकी 1500 RPM, और जब आपके पास 8 पोल हो गए तब आपके पास स्पीड होगी 750 RPM। तो अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेज ये क्या है कि कॉस्ट जो है मेरी सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि हमने टू वाइंडिंग यूज़ नहीं की, हमारी सिंगल वाइंडिंग है। इफ़िशेंसी भी सेम रहेगी, एक्स्ट्रा लॉसेस इंक्रीज नहीं होंगे। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि पहला जो स्पीड का वेरिएशन है वो मेरा 2:1 है, क्यों? क्योंकि हम पोल्स ही चेंज कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में। इस केस में भी मुझे स्मूथ स्पीड कंट्रोल नहीं मिलेगा, और दिस मेथड इज कैन ओनली बी यूज फॉर स्क्वायरल केज रोटर। अब स्क्वायरल केज रोटर के लिए ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो मैंने एरो लगा के लिखा हुआ है कि इट एडजस्ट इट सेल्फ टू सेम नंबर ऑफ पोल्स एज स्टेटर, क्योंकि इसके जो आपका स्क्वायरल केज रोटर है इसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सेम नंबर ऑफ पोल्स एज स्टेटर हैव। तो ये था हमारा सेकेंड। अब थर्ड, थर्ड मेथड का थर्ड पार्ट जो कि है पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज पैम। ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट करता है इसीलिए ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं जब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दिस मेथड हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पोल चेंजिंग विच इज़ यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर रेशियो अदर देन 2:1 आर रिक्वायर्ड। द मोटर डिजाइन फॉर स्पीड चेंजिंग बाय पैम आर कॉल्ड पैम मोटर्स। अब जो ये पूरा फॉलो करती हैं प्रिंसिपल, उन मोटर्स को बोलते हैं पैम मोटर्स, और इसमें जो स्पीड का वेरिएशन है वो अदर देन 2:1 आप कर सकते हैं। अब दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर फैंस में, ब्लोअर्स में और पंप्स में एज ए ड्राइव यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज़ द मॉड्यूलेशन ऑफ टू साइमल्टेनियस वेरिंग MMF वेव।
विथ डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स। आप दो साइनोसॉइडली वेरिंग MMF को विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन, जिनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स हैं, उनका मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल से आप मर्ज करके स्पीड कंट्रोल करते हो। तो ये हैं हमारे टोटल 3 मेथड, थर्ड के 3 मेथड। तो हम चीज़ें लास्ट में एक बार देखते हैं। तो अब अगर मैं रिवाइज करूँ तो मेरा पहला मेथड था सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। इसमें हमने वोल्टेज को कंट्रोल किया, लेकिन देखा वोल्टेज को रिड्यूस किया तो हमने देखा कि टॉर्क भी रिड्यूस हो रहा है फॉर द सेम लोड, लेकिन टॉर्क को हमें सेम रखना है। तो हमने क्या किया कि स्लिप जो है उसको इंक्रीज कर लिया, मतलब स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड में फिर इसके डिसएडवांटेज स्टडी कर लिए। नेक्स्ट मेथड कंट्रोलिंग नंबर ऑफ पोल, जिसमें 3 मेथड, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग यूज़ की। सेकंड था मेथड्स ऑफ कंजुगेट पोल, और तीसरा पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग में हमने 2 वाइंडिंग यूज़ की, एक में 6 पोल, एक में 4 पोल। दोनों के लिए हमने देखा कि स्पीड 950 और 1425 RPM निकल गया है। देन डिसएडवांटेज स्टडी कर लिए, 2 वाइंडिंग है, लॉसेस इंक्रीज होंगे, कॉस्टलियर हो जाएगी, इफिशेंसी डिक्रीज हो जाएगी। देन मेथड ऑफ कंजुगेट पोल, इसमें हमने सिर्फ एक सिंगल फेज की कॉइल ली, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, AB और CD में, उनको सीरीज और पैरेलल कनेक्ट किया। तो पहले केस में 4 पोल्स मिले, दूसरे केस में आपको 8 मिले। तो हमने स्पीड का वेरिएशन देख लिया, देन इसके एडवांटेजेस किए, देन इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में सबसे मेन यही था कि हम इसमें स्पीड का कंट्रोल कर सकते हैं 2:1 के रेशियो में। देन हमने PAM मॉड्यूलेशन मेथड पढ़ा, इसमें हमने सिंपली बताया कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से रिलेट करता है, इसमें अगर अदर देन 2:1 आपको कंट्रोल करना है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल, और जो ये मोटर प्रिंसिपल फॉलो करती है उनको हम PAM मोटर्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।